हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चावल की खीर की रेसिपी लाया हूँ। खीर हर घर में बनती है, पर इसको बनाने का सही तरीका क्या है वो पता नहीं होता, जिससे हमारी खीर अच्छी नहीं बनती। हमें चावल और दूध के सही माप का पता न होने के कारण हमारी खीर में वो टेस्ट नहीं आ पाता जो शादी पार्टी या रेस्टोरेंट वाली खीर का होता है। साथ के साथ हम घर के हिसाब से भी बताते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। खीर बनाने के लिए चाहिए चावल। चावल यहाँ पर इस तरह का किनकी वाला लेना है, स्पेशल खीर के लिए आता है ये। 1.5 केजी चावल यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। 50 केजी दूध से खीर बनने वाली है। सबसे पहले चावल को पानी में भिगो कर रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक दूध गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर 50 केजी दूध लिया है, पहले दूध को गर्म करेंगे। दूध को गर्म करने के लिए भी यहाँ पर ट्रिक यूज करते हैं हलवाई। आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने कम दूध को डालकर गर्म किया है। पहले दूध में उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा, इसमें दूध डालते रहेंगे। इसी तरह से उबाल आने पर थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालते रहना है। इसका फायदा ये होगा, अगर हम ज़्यादा दूध गर्म करते हैं तो दूध नीचे तली में लगकर जल जाता है। ऐसा करने से वो जलेगा नहीं और हम चाहे कितनी भी क्वांटिटी में दूध हो उसको आसानी से गर्म कर सकते हैं। जब भी आप ज़्यादा मात्रा में खीर बनाएं तो इसी तरह से पहले दूध को गर्म करेंगे। आप घर के लिए बना रहे हैं तो 1 केजी दूध के लिए 30 से 40 ग्राम चावल ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चावल ना ले, नहीं तो खीर अच्छी नहीं बनती। अब दूध गर्म हो चुका है। सारा दूध गर्म होने के बाद इसको नीचे उतार देंगे। अब खीर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब फिर से दूसरा पतीला लिया गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालेंगे। पहले कम दूध में चावल डालेंगे, बाद में फिर दूध डालते जाएंगे। चावल को साफ करके इसके पानी को ड्रेन करके दूध में डाल देंगे इस तरह से। अब इसको चलाते हुए पकाना है, दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। यहाँ पर खीर में कस्टर्ड पाउडर का प्रयोग नहीं करने वाले, इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाने वाले हैं। खीर को बनने में 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। अभी खीर को पकने देते हैं। खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 4 केजी चीनी डाल दी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 5 केजी चीनी डाल लें। घर के हिसाब से आप 1 केजी दूध के लिए 80 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करें। इसमें 500 ग्राम बादाम डाल दिया है और 500 ग्राम इसमें काजू डाल दिए हैं। अब काजू और बादाम को चावल के साथ दूध में पकने देंगे। अभी इसको और पकने देते हैं, बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी चावल को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। चावल अच्छे से पक चुका है, दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अभी इसको 10 मिनट और पकाएंगे। दस मिनट पकने के बाद खीर तैयार है। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हलवाई बर्फ़ का प्रयोग करते हैं। बर्फ़ को पतीले में इस तरह से तोड़ लेंगे। और खीर वाले पतीले को बर्फ़ के ऊपर रख देंगे इस तरह से। इससे खीर बहुत ही जल्दी से ठंडी होती है। अब इसमें 1 केजी नारियल पाउडर डाल दिया है। नारियल पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खीर में। अब चावल की किनकी को इस तरह से मसल कर मैश कर लेंगे। इससे हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब खीर बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी से खीर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपकी खीर कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।